दोस्तों, अगर आप क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 नंबर पाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 3 सेंट्रल आइडिया पढ़नी है। 2 सेंट्रल आइडिया पहले हमने चैनल पर डाल दी है। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एसलम की, और ये सेंट्रल आइडिया क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं इसको। आप एक काम कीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 3 बार पढ़ना है। अगर आपने इस सेंट्रल आइडिया को 3 बार पढ़ लिया, आप अच्छे से एग्जाम में लिख लेंगे, और अगर आप अच्छे से लिख लेंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सेंट्रल आइडिया हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर उस सेंट्रल आइडिया को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं पूरा, एक लाइन में हम सब कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसका अर्थ क्या है। कैसे लिखना है? दिस पोयम एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम इज कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। इन दिस पोयम द पोएट स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड ए पिक्चर ऑफ क्लासरूम इन ए स्लम। ड्यू टू पॉवर्टी द चिल्ड्रन कंडीशन आर वेरी मिसरेबल। दियर पेल फेसेस एक्सप्रेस दियर सैडनेस। पोएट आल्सो डिफाइन द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। द चिल्ड्रन who presented in the classroom was very weak due to not getting proper nutrition. ठीक है, उसके बाद क्या है? स्टीफन स्पेंडर मच वॉरिड फॉर दिस चिल्ड्रन हु लिव इन ए स्लम बिकॉज दे लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। पोएट अपील टू गवर्नमेंट टू मेक द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन बेटर थ्रू एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज बेस्ट पॉलिसी। इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास रूम इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये कितनी बड़ी सेंट्रल आइडिया है इसको आप देखने पर पता लग रहा होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये है कितना, इतना बड़ा है, इतनी बड़ी सेंट्रल आइडिया है। पूरा याद करके नहीं जाना है। अगर आपको इस पूरे का 50% याद हो गया तो मान चलिए आपको पूरे 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जितने नंबर की सेंट्रल आइडिया आती है पूरे नंबर मिलेंगे। आपको इसमें का कितना याद करना है? 50% याद करना है, और 50% आप रट कर नहीं याद कर पाएंगे। जैसे भी हमने बोला, हमने पढ़ दिया, आप ऐसे पढ़ेंगे बार बार और रटेंगे, रटने पर नहीं याद होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसकी जो एक कविता है यानी आपकी पोएम है, इसका सारांश पढ़ना पड़ेगा। सारांश क्या बोल रहा है इसे हम देखते हैं। इस कविता को कवि स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है। इस कविता में कवि झुग्गी की कक्षा में एक झलक दिखा रहे हैं। ठीक है, इस कविता में कवि झुग्गी की कक्षा यानी जो स्लम एरिया है उसके क्लासरूम की एक झलक दिखा रहे हैं, जहां गरीबी के कारण बच्चे बहुत कमजोर हैं। बच्चों का पीला चेहरा उनके दुख को व्यक्त कर रहा है। बच्चे पोषक तत्वों की कमी के कारण बहुत कमजोर हैं और उनकी हड्डियां बाहर से ही दिख रही हैं। कवि इन बच्चों के लिए बहुत चिंतित है। ठीक है, कवि क्या है? इन बच्चों के लिए बहुत ही चिंतित है। झुग्गी में रहने वाले बच्चों के लिए बच्चों का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही गरीब रह रहे हैं या ये बहुत ही गरीबी में रह रहे हैं। कवि सरकार से अपील करता है कि झुग्गी में रहने वाले बच्चों की स्थिति को शिक्षा के माध्यम से बेहतर किया जाए, क्योंकि एजुकेशन इज बेस्ट पॉलिसी। शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक असमानता को हटाया जा सकता है। क्या समझा आपने? कुछ नहीं करना है, आपको इसको याद करना है। और इसमें क्या किया गया है, स्टीफन स्पेंडर एक कवि हैं जो कि बता रहे हैं कि कैसे एक गरीब बच्चा होता है, और जो कि एक गरीब क्लासरूम आप बोल सकते हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में पढ़ाते हैं, तो वो झुग्गी झोपड़ी में पढ़ता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, और इतनी गरीबी है उसको कि उसको खाने के लिए अच्छे से नहीं मिल रहा है। वो एकदम कमज़ोर हो गया है, उसकी हड्डियाँ बाहर से दिख रही हैं, और क्या है कि उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, और उसका उसके जीवन के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही गरीब है, कोई उद्देश्य वो रख ही नहीं सकता है। यानी कि कविता का सारांश ये है कि इतनी गरीबी है जहाँ पर कि वहाँ के बच्चे को कोई पोषक तत्व तो नहीं मिल रहा है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। उस स्थिति को दूर किया जाए, और कैसे दूर किया जाए? पढ़ाई के माध्यम से दूर किया जाए, क्योंकि एजुकेशन इज बेस्ट पॉलिसी। शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक असमानता को हटाया जा सकता है। गरीबी एक सामाजिक असमानता है, और जब सामाजिक असमानता हट जाएगी तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। आपको यही लिखना है कि गरीबी क्या होती है और गरीबी को कैसे हटाया जाए। दो चीज़ें अगर आप लिख देंगे इस कविता के सेंट्रल आइडिया में, समझ लीजिए आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे आंसर नंबर जो रहेगा, उसके बाद हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया एक लाइन छोड़कर, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम। आप
पहले लेसन का नाम लिखकर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, पहले सेंट्रल आइडिया लिखकर लेसन का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको दो लाइन याद रखनी है यहाँ की, दिस पोएम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन एसलम इज कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर, इन दोनों लाइनों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, शुरू कर देना है बताना कि गरीबी क्या है, और इसी में बता देना है लगभग क्या कहते हैं 80 शब्दों में कि गरीबी को हटाया कैसे जाए। अगर आप 80 शब्दों में इन दोनों चीज़ों को बता देते हैं, यानी कि 10 से 12 लाइनों में अगर आप इन दोनों चीज़ों को बता देते हैं प्लस में इन दोनों लाइनों को शुरुआत में लिख देते हैं, तो पूरे के पूरे नंबर आपको सेंट्रल आइडिया मिलेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, लिखने का तरीका अपना सही रखिएगा। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको इसकी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।